कॉफी कंटेंट हो गया। हम लोग ही इंडियन लोग हैं जो कैमरा निकाल के अपना ब्लॉगिंग में लगे हुए, कोई कोई फोटो खींचने में लगे हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होपफुली तो बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग निकल रहे हैं गोवा के लिए और बहुत ही लंबा सफर होने वाला, बाई रोड जा रहे हैं हम लोग और ऑन द वे मजे करते करते जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, दीदी जा रही है, जीजू जा रहे हैं एंड प्रियंका दी जा रही है। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? अभी तक सुबह नहीं हुआ है, आप देख सकती होंगी। हेलो, सुबह 3 बजे उठ के पॉटी किया तेरे कुत्ते ने। की क्या? हाँ कोई कोई कर रही थी, इसमें दरवाजा खुला था। मैं मेरे को कुछ तो आवाज सुनाई दिया था मेरे। टोपिया में चाय बनाया जा रहा है 3 आदमी के लिए। चलो निकलते हैं सफर में और जा रहे हैं घूमने। The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into. Hey guys, so अभी on the way हम लोग पुणे में रुके हुए और यहाँ से almost 8 घंटा है गोवा पहुँचने में। तो yes, बहुत भूख लगी है, मैं थोड़ी देर सो गया था गाड़ी में। तो यस, अगर आप लोग मुंबई के थ्रू आ रहे हो, गोवा जा रहे हो मुंबई टू गोवा, तो आप लोग को ऑन द वे लेफ्ट साइड में आपको ये मैकडी और सीसीटी मिलेगा और पेट्रोल भराना आप यहाँ भरा सकते हो। तो यस, और यस आप लोगों को एक बार बताता हूँ, अगर आप लोग को लोनावला में खाना है तो वहाँ पे बहुत ही शानदार फूड कोर्ट है, आप लोग वहाँ खा सकते हो। अगर वहाँ मिस हो गया बाई चांस, आप लोग को नज़र ना आया, तो आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो और हाईवे के जस्ट साइड में है, वॉशरूम भी जा सकते हो, सब कुछ मतलब यहाँ पर, मतलब लाइफ मजा मा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। कोई तो बंद हो गया, कोई तो जेल के अंदर चला गया। गाइस, सो बहुत ही अच्छा नींद आया और लास्ट हम लोग रुके हुए यहाँ पे लंच करने। हम लोग एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता कहाँ पहुँचे हैं, मैं तो सो गया था, बट आई थिंक कि बट यहाँ से जहाँ पे रुके हुए ना, वहाँ से गोवा 4 घंटा का रास्ता है गोवा तक का। तो यस, हम लोग यहाँ पे लंच करने वाले हैं, उसके बाद मैं आप लोग को डायरेक्टली एक काम करता हूँ, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली आप लोगों से मिलता हूँ गोवा। ठीक है, सो आ गए हम लोग अपने रिजॉर्ट में। तो मैं आपको रिजॉर्ट का टूर दूंगा और मैं बताता हूँ कहाँ रुके हम लोग। मोंटेगो बे गोवा बीच रिजॉर्ट है ये, जो कि आपको पड़ता है, कहाँ पड़ता है जगह नाम भूल गया, याद आ गया, मॉर्जिम में पड़ता है और काफ़ी अंदर जाके है, आप गूगल मैप में सर्च कर सकते हो, आप जाके अंदर में आपको मिल जाएगा, शानदार रिजॉर्ट है। मैं आपको रिजॉर्ट का भी टूर दूंगा, अच्छे से टूर दूंगा, लेकिन अभी चलते अंदर, थोड़ा फ्रेश होते, थोड़ा नहाते धोते और थोड़ा सा अपने आप को लगना चाहिए कि अपन लोग आए गोवा घूमने, मतलब सुबह से ट्रेवल कर रहे और टायर्ड भी बहुत हो चुके हैं, ट्रस्ट मी, बट चलो अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करता हूँ। स्कूटी रेंट पे मिलता है यहाँ पे? हाँ मिलता है। मिलता है ना, ओके। चलिए, हम लोग वही ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा रिजॉर्ट मिले जहाँ पे पेट फ्रेंडली भी और पेट के लिए काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाए खेलने के लिए, जो कि ये है। और यस, यहाँ पर बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं और इनमें से एक कॉटेज हमारा है, आई थिंक ये वाला, यहाँ पर ये लोग चेक इन कर रहे हैं। यस, मैं आपको रूम का भी टूर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले अंदर जाता हूँ। नाइस, नाउ व्हाट प्लान? हम लोग को जितना सोना था, हम सो लिया गाड़ी में, हम लोग ने सो लिया गाड़ी में जितना सोना था। नाउ एंजॉय, वी कैन हैव अ स्कूटी आल्सो, वी कैन गो समवेयर, वी कैन गो एवरीवेयर। यस सर, यस, लिसन यू,
तो वहाँ से घुस के वहाँ से निकलने क्या मतलब है? सीरियसली पकड़ना उसको, मतलब नो कम घूमने दो उसको यार, खुला मैदान मिला है घूमने के लिए, घूमे उतना ही जा सकते हैं। क्या बोलते मुल्ला की जानम सो आई मलानू कम मलाना कम आई कहां गई तेरा कुत्ता को हम लोगों ने बेच दिया। The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Hey guys, so very good morning Goa ki शानदार सुबह में आप सबका स्वागत है। तो यस काफ़ी अच्छा वेदर हुआ हुआ, आई थिंक थोड़ा बारिश भी हुआ हुआ है क्योंकि थोड़ा सा हर चीज़ गीला है यहाँ पे। बट यस मैं आपको लेके जाता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि काफ़ी कॉल आ चुके हैं मेरे को, सारे सब लोग बीच गए हुए हैं, बाकी पुलिस जो आए हुए हैं हमारे साथ सब बीच में। यस ठीक है, सो आपका भाई फ्रेश हो गया है और अब आपको लेके जाएगा बीच। कल मैं आपको घुमाने ले जा सकता था, कल रात को एक्चुअली मैं गया था बीच में, बट बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोग को दिखेगा नहीं, तो इसलिए कोई यूज़ बनता नहीं कैमरा निकालने का, तो इसलिए मैं सोच रहा आज आप लोग को अच्छे से बीच दिखाऊं। सो बेसिकली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये बंगलो आप बुक कर सकते हो, रिजॉर्ट का ही पार्ट है, रिजॉर्ट के अंदर ही है, और अगर आप कपल हो तो आप इस तरह के कॉटेज बुक कर सकते हो, मतलब ये ऐसा कॉटेज है जहाँ पर तीन लोग भी रह सकते हैं। और यस और बेस्ट पार्ट इस रिजॉर्ट का ये है कि यहाँ पर बाहर में सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप इफ़ यू स्मोकर आप स्मोक कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, बाहर बैठ के चिल कर सकते हो। हर रूम के बाहर एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे। सो काफ़ी अंदर आके वहाँ पे इन लोगों का स्पा है, आप देख सकते होंगे आरती स्पा, तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ कराने। तो यस थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन आज ही नहीं कराऊँगा, कल कराऊँगा क्योंकि कल कल भी हम लोग रुक रहे हैं। निखर रहा है बीच के लिए, ऐसे बीच का रास्ता है ना यहाँ से। हाँ एक्चुअली ये रिजॉर्ट का एक चीज़ अच्छा है कि हर कॉर्नर से एक रास्ता बीच का बनाया हुआ है ना। तो ये रिजॉर्ट बुक कर सकते हो, बहुत ही शानदार रिजॉर्ट है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोग को जस्ट रिजॉर्ट के बाजू में ही आपको बीच मिलेगा शानदार, और ज़्यादा क्राउड नहीं है। अगर क्राउड भी है तो सिर्फ फॉरेनर का क्राउड है, इंडियन क्राउड नहीं है। ये जान कर हाँ हाँ कर दो अगर कर पाते हो तो। लेकिन एक चीज़ नोटिस किया है, जितने जो फॉरेनर लोग हैं वो लोग फ़ोन निकाल के कैमरा निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करते, वो लोग ये इन्जॉय करते पल को। हम लोग ये इंडियन लोग हैं जो कैमरा निकाल के अपना ब्लॉगिंग में लगे हुए, कोई फोटो खींचने में लगे हुए हैं। फाइनली रिलैक्स। तो करा ना फुट मसाज? फुट मसाज करता है कौन? लड़का करते हैं जो आया था। हाँ फुट मसाज करा, मजा आएगा। करा सकते हैं कुछ कंटेंट देना चाहोगे मेरे ब्लॉग के लिए? सुबह से कुछ कंटेंट नहीं मिला मेरे को ब्लॉग में। कॉफी कंटेंट दे दिया है मैंने तुम्हें। कॉफी कंटेंट दे दिया? कॉफी कंटेंट दे दिया है। कॉफी कंटेंट दिया? कंटेंट हो गया। अच्छा कॉफी कंटेंट दे दिया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, अभी तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। तुम गांव में क्या कुछ बड़ा काम करने आए हो? मतलब ऐसे ब्रेड वेड बनाना है यार, आदमी खा भी नहीं सकते ऐसा ब्रेड। वाओ बहुत ही शानदार लग रहा है। Nice, no? Amazing. Yeah. आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। कल मॉर्निंग को मैं शायद स्कूटी लेके अकेले निकल रहा हूँ ड्राइव के लिए या फिर आप लोगों को टूर देने के लिए, जो भी समझ रहे हैं आप लोग समझ लो। बट देखते हैं क्या सीन होता है कल का। फिलहाल आज के लिए आई थिंक मुझे ये ब्लॉग ख़त्म करना चाहिए, तो होपफुली आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। हाँ क्या दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। इसने अपना ब्रेड बनाया और मैं रात को इसी ब्रेड के साथ जैम खाऊंगा। एनीवे तो यस मैं आप लोगों को मिलता हूँ कल मॉर्निंग को स्कूटी राइड में। एंड क्या डर क्यों रही है तू यार?
वो अच्छा अच्छा ठीक है। फाइनली शांति से मैं इस ब्लॉग को एंड कर सकता हूँ। तो होपफुली आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो, गोवा जरूर आओ, ये जगह जहाँ हम रुके हैं वहाँ आओ, बहुत ही रिलैक्स फील है। देखो मैं आप लोग को तभी सजेस्ट करता हूँ जो चीज़ मुझे अच्छा लगता हो, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग जानते मैं कितना ओपन हूँ, मुझे मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली आप लोग को कि अच्छा नहीं है, बट ये जगह अच्छा है, बीच है और शानदार हवा चल रहा है। अभी शाम के टाइम में हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं, डिनर के लिए कहीं जाने वाले हैं, बट आई डोंट थिंक आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट होगा। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना है आप लोगों को सबको पता है। तो यस, मिलता हूँ बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, टेक केयर।